शाबाश। अच्छा तोरी, आप तुम्हारी असली परीक्षा का समय आ गया है। मेरी असली परीक्षा? वो परीक्षा क्या होगी पिताजी? तुम्हें शहर जाना होगा। क्या? तुम्हें इडो जाना होगा। इडो? सुना है शहर बदल गया है, फिर भी तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। पर बात क्या है ना कि वो शहर हम जैसों के लिए नहीं है पिताजी। चुप रहो। जैसा कि तुम सब जानते हो, हम कुछ गिने चुने हथौड़े ही बचे हैं ईगा निंजा वंश से, और हमारे जानी दुश्मन कोगा निंजा कहता है कि उनकी ताकत हमसे ज्यादा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब सुनो, ईगा निंजा वंश बहुत जल्द खत्म होने वाला है, जबकि कोगा निंजा में से कईयों ने आधुनिक समाज के तौर तरीके अपना लिए हैं। उइमा, अब वो लोग ईडो और नानीवा जैसे शहरों में रहते हैं, और अब उन्होंने भलाई का रास्ता छोड़ दिया है। पता नहीं ईडो में क्या जादू है जो अच्छे निंजा अपना रास्ता छोड़कर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। निंजा अपना रास्ता छोड़ रहे हैं? यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा है कि तुम इस जमाने में रहकर भी अपना कर्तव्य ना भूलो। निंजा का कर्तव्य तुम अपनी असली पहचान नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एक असफल निंजा बन जाओगे। पिताजी, मैं ईगा के नाम पर आंच नहीं आने दूंगा। निंजा का नाम हमेशा रोशन रखूंगा। तो फिर जाओ बेटा, पर अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। फिकर मत पिताजी, अपने मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहना, अपनी जान पर खेल कर भी उसकी जान की रक्षा करना, यही एक सच्चे निंजा का कर्तव्य है और उसकी पहचान है। ये खाकर रक्षा करता हूँ। जाओ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखना अपने पिता के और निंजा परंपरा का ख्याल रखना। ओके। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और साथ ही ईगा निंजा के बिल्कुल आखिरी वारिस। जाओ और सफल होकर लौटना। मुझ जैसे जाबाज कलाबाज के होते हुए ईगा की परंपरा जरूर आगे बढ़ेगी। तुमने सही कहा, और उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मगर एक बात का ध्यान रहे बेटा, अपने लक्ष्य से भटक गए तो मेरा सपना टूट जाएगा। नो टेंशन। हथौड़ी पापा। वी फॉर विजय पापा। हथौड़ी, मुंह में जो रसगुल्ला रखा है उसे बाहर निकालो। डैड। शेरू भाई, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त अलविदा। मेरे पीछे डैड का ख्याल रखना, समझ गए ना? हथौड़ी, कहा जाता है कि ईडो शहर में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। वहां जो पहला इंसान तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा आका होगा। तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे सामाजिक रुतबे के वहां कोई मायने नहीं होंगे। तुम्हें अपनी जान पर खेलकर उनकी सेवा करनी है। अपने आका तक पहुंचने के लिए ऊपर वाले पर भरोसा रखना। जब तुम सेवा करने के लिए लायक हो जाओगे, सिर्फ तभी तुम निंजा कहलवाने के लिए भी लायक होगे। अगर तुम ऐसे काम में असफल रहे
तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम निंजा बनने में भी असफल रहोगे और तुम्हें हमेशा के लिए निंजा परिवार से एक मौका मिला है, मैं तो कहती हूँ फौरन शादी कर लो। सुनो, हाँ तुम कुछ सुन रही हो कि नहीं? बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी? सुनो, मैं कर लूं? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? करवाओगी तुम मेरी? अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ। अरे चिल्लाओ मत, मत चिल्लाओ, मत चिल्लाओ, मत चिल्लाओ, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। सुनिए, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे आका हैं। मैं निंजा हूँ, कांजो हथौरी ईगा प्रदेश से आया हूँ आपकी रक्षा करने के लिए। निंजा? हाँ हाँ, क्या खूब पहचाना। निंजा? देखिए चाल छिपकली की। टाटा। कैसे हो मम्मी? हैप्पी। हमारा बेटा बुला रहा है। अरे नहीं, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, तुम जाकर देखो। तुम जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, अब मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हैप्पी।
जैनी जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बोलो ना, क्या तुमने अपने बाल काटे? अरे कुछ तो बोलो। हाँ मम्मी, मैंने बाल काटे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुमने अपना होमवर्क कर लिया हो तो चलो सो जाओ। बाल बाल बच गए हम, है ना? आपने मुझे बचा लिया मेरे आका, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। बचा लिया? जी बिल्कुल, निंजा की परंपरा के अनुसार एक निंजा अपने आका के अलावा किसी और को दिखाई नहीं देना चाहिए। हाँ? जी हाँ, और आपके इस दयालुपन के बदले में मैं अपने आप को अपने आका के हवाले करता हूँ। हो, और कहाँ है तुम्हारा आका? वो तो मेरे सामने है। कौन? मैं? और कोई है क्या इस कमरे के अंदर? हा? पर मैं क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपको चुना है, मेरा आका। अरे पर किसने कहा कि तुम मुझे चुनो? आप तो नाराज हो गए। ये भूख की गुड़गुड़ नहीं है। मेरा पेट बस वैसे ही। मेरा पेट बस वैसे ही कभी कभी आवाज करता है। खाना खाना चाहते हो? निकी और पूछ पूछ खिला ही दीजिए। हैप्पी कोला, गुड जॉब। ये खाना लेकर कहाँ जा रहे हो बेटा? कोई और डॉगी मिल गया क्या तुम्हें? पहले ही घर में डॉगी कम है क्या? हर वक्त परेशान करते रहते हैं। ये डॉगी के लिए नहीं है, ये निंजा के लिए है। निंजा? निंजा? रात को भूख लगती है तो मैं यही खाता हूँ। लेकिन आका, आखिर ये है क्या? मेयोनीज है, और क्या? मेयोनीज? भरोसा रखो, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। चलो खाओ इसे। ओके। ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। कहा था ना, मुझे पता नहीं था कि ईडो में इतना बढ़िया खाना मिलता है। सुनो, ऑर्डर कीजिए आका। तुम यहाँ रहने वाले हो क्या? मेरे आका की सेवा करना इस गुलाम का कर्तव्य है, फर्ज है। हाँ। तो क्या तुम मेरे गुलाम हो? जी हाँ, आप मेरे आका, तो मैं आपका गुलाम। मेरे आका, कटोरी खाली होगी और मिलेगा? क्यों सो रहे हो? मैं रोज रात को इसी स्टाइल में सोता हूँ। ये तो बड़ा ही अजीब स्टाइल है। Ah!
नीची उठ जाओ बेटा। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी। उठ जाओ नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। चलो तैयार हो जाओ। बुरा सपना देखा? आका जाग जाओ। मैं जागा हुआ हूँ। क्या ये जोकर आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं मेरे आका? स्कूल जा रहा हूँ। और कहाँ? स्कूल मतलब आपकी पाठशाला? हाँ ऐसा ही कुछ, ऐसा कह सकते हो। क्या मैं भी आपके साथ आपकी पाठशाला में चल सकता हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा मत कहिए, अगर आप पर कोई मुसीबत आ गई तो? नहीं आएगी। पर आका, ये तुम्हारे आका का हुक्म है। जी आका, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। और तुम जो चाहो खा सकते हो, मेयोनीज फ्रिज में ही पड़ा है। वो सचमुच का निंजा है। आका ने कहा मियाओ फ्रिज में पड़ा है, पर बोले तो ये फ्रिज है क्या? फ्रिज शायद किसी बोतल का नाम है। ठंडा ठंडा कूल कूल। कौन है? कौन हो सकता है? चलो इसी बहाने कई सालों के बाद नहा लिया। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी, प्रॉमिस। तुम अच्छे से रहना मेरे बच्चों। जब जब तुम दुखी होगी तब तब मुझे चिट्ठी लिखना। ये है मेरा एड्रेस, अभी लिख देती हूँ। अब सबसे पहले मुझे थोड़े से चावल ढूंढने होंगे। शेरू भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? शेरू भाई,
शेरू भाई नहीं हो सकते, उसके डुप्लीकेट हो। क्या कर रहे हो? आका कैनेची, मेरी बात तो सुनिए। कैसा लगा आपको मेरा मिस्टर इंडिया बनना? ये कर क्या रहे हो तुम? तो चलो। था ना मेरे आका, आपके अलावा मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। इन कपड़ों में तुम जोकर लगते हो। आपने ठीक कहा, मुझे डिजाइनर कपड़े पहनने चाहिए। हे, हम है, बाकी सब पानी कम है। बेवकूफ, आका आप मुझसे फ्रेंडशिप क्यों नहीं करते? साबित तो करो कि तुम एक असली निंजा हो। वो कैसे? मुझे कुछ और ट्रिक्स दिखाओ। यहाँ पर कोई नहीं आएगा। जी मैं खुशी खुशी दिखाता पर मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तुम्हारा आका तुम्हें हुक्म दे रहा है। मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आप हुक्म दीजिए। सच्ची? तो फिर ये करके दिखाओ। एक से भले अनेक। कहाँ घूम रहे थे बेटा? खेल रहा था। किसके साथ? निंजा के साथ। फिर से निंजा? निंजा। चलो एपी खोला। अब चलो भी। गुड जॉब। नमस्कार, कल देर रात अप्लायंस मेकर सीमिक्स के ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड अपने सहकर्मी द्वारा बेहोश पाया गया। कोई चोट के निशान न होने के बावजूद वो बेहोश है। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि हो सकता है उसे बेहोशी की दवा दी गई हो। कितनी बार कहूँ कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ताला तोड़ा गया हो। मैं सच कह रहा हूँ। वो 20 माले से कूद के फरार हो गया? बिल्कुल, हाँ, वहाँ से। बकवास मत करो, ये सुपरमैन या स्पाइडरमैन की दुनिया नहीं, असली दुनिया है। 20 माले से ऐसे ही कूद गया? हाँ, ये सच है, मैंने एक परछाई देखी। परछाई देखी तूने?
अब दिन में तारे दिखाऊं क्या? अब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक परछाई देखी, वो तेजी से आई और परछाई गायब हो गई। आपको क्या लगता है, ये तो झूठ बोल रहा है? देखो, बात यह है कि घटनास्थल पर जो मौजूद होता है, हमारा सबसे पहला शक उसी पे जाता है। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो, लेकिन झूठ बोलने का उसका मकसद क्या है? वैसे तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। क्या पता जो बेहोश हुआ उसे इससे ज्यादा दुश्मनी हो। पर जो खंजर वहाँ पर मिला है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो वो आखिर वहाँ था क्यों, और वो दूसरा गार्ड बेहोश क्यों है, जबकि उसके शरीर पे चोट का एक भी निशान नहीं? और क्या आपको उसकी कहानी पर यकीन है? एक बात तो बताओ कि 20 माले से कूदकर कौन बच पाया है? अगर एक बिल्ली भी 20 माले से कूद जाए तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। हाँ, वो तो है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैंने एक बार ईडो के पीरियड थीम पार्क में नौकरी की थी, जहाँ निंजा के बारे में ऐसी कई कहानियाँ सुनी थी मैंने। और ये देखिए, निंजा के ऊपर लिखी हुई किताब। ये सब किताबी बातें हैं। बताया जा रहा है कि सीमिक्स में घटे सिक्योरिटी गार्ड वाले हादसे की पुलिस छानबीन कर रही है। अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि क्या उस पर नशीले पदार्थों का इस्तेमाल हुआ है। जब तक आपकी टीचर कावाशिमा मैटरनिटी लीव से वापस नहीं आ जाती, तब तक मिस्टर केमुमाकी आपके टीचर होंगे। क्यों? आपका स्वागत है, ये क्लास अब आपकी है, ऑल द बेस्ट। हाँ तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है ना, मैं लिखकर बताता हूं। स्कूल का सामान वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या बात है? आका केनिची के बगैर मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ये तो चावल है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मुझे बताओ, तुम दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहे? मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। हाँ? टीचर आइए ना, हमारे साथ खेलिए ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम्हें ढूंढ लिया एला। ओ। ये टीचर तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। इसे सबक सिखाना होगा। हाँ, हमसे पंगा लेने के लिए। टोरू, टकेशी, अकीरा, मैंने तुम सबको ढूंढ लिया। हाँ, क्या बात है। Thank you.
वाह, आपने तो प्रैक्टिस शुरू कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, देखकर तो ऐसा ही लगा कि आप जोर शोर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कहा ना नहीं कर रहा था, आप चुप रहो। क्या बात है, आप बड़े गुस्से में लग रहे हैं, आपका मूड भी ठीक नहीं है क्या? स्कूल की पढ़ाई इतना गुस्सा दिलाती है मेरे आका? स्कूल? हाँ, मुझे स्कूल से याद आया, मेरे नए टीचर के सिर के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं, और पता है वो निंजा की तरह छलांग भी लगा सकते हैं। विश्वास ही नहीं होता। एक बात पूछो आका। पूछो। अगर आप कहें तो क्या मैं कल आपके साथ आपके स्कूल चल सकता हूँ? ये अपने आप को समझते क्या है? पब्लिक का टैक्स खाते हैं और पब्लिक की बात पर शक करते हैं। ना? आका, नूडल्स से भूख लगी है, कहाँ है भाई? अरे थोड़ा नूडल्स खिलाओ। अरे सुना नहीं क्या, थोड़ा मंचूरियन भी चाहिए भाई, सुना नहीं क्या? मैं आपसे बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ साहब, यकीन करो, अगर मैं चाहता भी तो ऐसा नहीं कर सकता साहब, ये सिर्फ एक हादसा है साहब, आपको मेरी बात का यकीन करना होगा साहब। साहब सुनिए साहब, वो खून ये नहीं कर सकता, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खंजर तो वहाँ भी मौजूद था, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो खंजर दिखने में तो एक निंजा का हथियार जैसा लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक निंजा थीम पार्क में मैंने निंजा थीम पार्क में काम किया था, वहाँ पे मैंने ऐसे निंजाओं के किस्से सुने थे। तो क्या? नमस्कार, ताज़ा खबर ये है कि कल रात के हमले के बाद एक नूडल्स का स्टॉल चलाने वाला अस्पताल में गंभीर स्थिति में है। ये हादसा भी सीमिक्स के हादसे से काफी मिलता जुलता लग रहा है। बच्चों, आज हम पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक पेंडुलम है। क्या बात है केनिची? आप सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, जब मैं इस बॉल को हिलाता हूं तो उससे पेंडुलम गति में आ जाता है। मैंने तुम्हें देख लिया। समय इसी वक्त ही रुक जाए। अच्छा तो ये तुम हो केमू माकी? हथौड़ी, तुम यहां क्यों आए हो? सुनो, मैं यहां अपनी प्रैक्टिस पूरी करने आया हूं। प्रैक्टिस? तुम ईगा निंजा वाले कितने पिछड़े हुए हो। तुम इस शहर में आकर कितनी बदमाशी कर रहे हो। तुम बागी हो, तुमने निंजा के पवित्र पथ को जानबूझकर छोड़ दिया है। मैं अब निंजा नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने कोगा वंश के सैकड़ों योद्धाओं की तरह आखिर क्या फायदा हमारी असीम ताकतों का, जबकि हमें इतने साधारण काम करने पड़ते हैं। ये खिड़की तो साफ करनी रह गई। सबकी सुख शांति के लिए काम करो। सबकी सेवा करो। लोगों की खातिर तकलीफ सहो। सबके मनोरंजन का साधन बनो। लेकिन अपने बारे में किसी से कुछ मत कहो और बुराई खत्म करने के लिए खतरे उठाओ। तो तुम लोग करना क्या चाहते हो? क्या मतलब? निंजा परिवार की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हो तुम लोग? अपनी जबान संभालो, हम कोगा वंश के लोग गलत नहीं हैं।
तुम तो बेईमान हो, कोई तुम्हारी किसी भी बात का विश्वास कैसे करें? क्या कहा, मैं बेईमान हूं? और नहीं तो क्या, लगता है तुम उस दिन को भूल गए हो। मैं हार मानता हूं। बेईमान, कहीं के मुझे धोखा दिया तुमने। तुम नरम दिल हो ना हाथोरी। रुक जाओ, मत करो, ऐसा मत करो, रुक जाओ। तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, जो जीता वही सिकंदर। उस धोखे के लिए मैंने आज तक तुम्हें माफ नहीं किया है, अब मेरा सामना करो। नहीं, तुमसे लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है, रुक जाओ। ये जरूर तुम्हारी कोई नई चाल है। कोई चाल नहीं है, मैंने कहा ना, मैं अब निंजा नहीं रहा, मैंने कभी ना लड़ने की प्रतिज्ञा ली है। रुको केमुबाकी। आज मैं तुम सबको समानांतर बल यानी इक्वल फोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, सब छुप जाओ। इस बार मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। मेरे आका, आप वहाँ जाके दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते हैं? मुझे नहीं खेलना। क्या आपको दूसरे बच्चों के साथ खेलने की कभी इच्छा नहीं होती? खेलना तो बड़ा मजेदार होता है। नहीं होता मजेदार। ये आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं तेज नहीं हूँ, मैं किसी को भी नहीं पकड़ पाऊंगा, बिल्कुल लल्लू लगूंगा, सब मुझ पर हंसेंगे। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उससे ज्यादा लल्लू तो ये लगेगा कि बिना कोशिश किए हार मान जाना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज बोलो ना। हाँ, वो तो मुझे मालूम नहीं। क्यों नहीं? रूल इज रूल। आपको याद है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपके सिवा और किसी को भी दिखाई नहीं दे सकता हूँ। क्या थोड़े से भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मुझे तुरंत ही लौट जाना होगा, रूल है ना। क्या मतलब रूल रूल रूल? रूल बहुत ही जरूरी होते हैं, उनके बिना कुछ नहीं। तो फिर रहने दो, अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर किस काम के? चले जाओ वापस अपने ईगा वीगा। आका ने मुझसे कट्टी कर ली। हे केनिची, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? सर, ये गेम बिगाड़ देगा, इसे खेलने को मत कहिए। ये तेज नहीं भाग सकता, ये बिल्कुल लल्लू है। ये तुम्हारा क्लासमेट है बच्चों। सर, ये बहुत स्लो है सर। ओ नहीं, बस करो। ओ, ओ। ये भी हमारे साथ खेलेगा। तुम पकड़े गए ताकेशी। ओ। तुम भी पकड़े गए अकीरा। ओ, ओ बहुत देर कर दी तुम। हाँ तो अब आखिर में कौन बचा है? अरे बाप रे सर, केनिची बचा है। मैं ये कभी नहीं कर सकता। मैं उस सोडा कैन तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा।
उससे ज्यादा लल्लू तो ये लगेगा कि बिना कोशिश किए हार मान जाना। केनिथ जी, यही चांस है खुद को साबित करने का। हम सब पकड़े गए, बस तुम ही बचे हो। खुश क्यों है? मैंने कर दिखाया, टीचर को मुझे पकड़ना था पर वो नहीं पकड़ पाए, मैंने उन्हें हरा दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी बहादुरी और सूझबूझ आपके काम तो आई। ऐसा नहीं है, हा? मुझे लगा अगर मैं कोशिश नहीं करूँगा तो लल्लू लगूंगा। आपको बिल्कुल ठीक लगा। प्लीज मुझे माफ कर दो हथौड़ी। वो किस लिए? तुम्हें रूल तोड़ने को कहने के लिए, ऐसा कभी नहीं कहूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो हथौड़ी। आप कितने अच्छे हैं हथौड़ी, आज से हम दोस्त हैं। हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है? जी बिल्कुल। निन, ये निन का क्या मतलब होता है? वो जब मैं बहुत ही खुश होता हूँ ना तो अपने आप ये निकल आता है। ओ, जब आप खुश होते हैं तो आप क्या कहते हैं? गुड जॉब। गुड जॉब? नहीं नहीं, गुड जॉब। गुच्छा? ना बाबा ना, ये मेरे लिए निन ही ठीक है। निन बोल, बहुत ही आसान लगता है, आप भी बोलिए ना। निन बोलिए आका। गुड जॉब। इन पुलिस वालों से मैं बहुत तंग आ गया हूँ, और हम भी इंसान है, ये हम पर भरोसा क्यों नहीं करते भाई? मुझे झूठ बोलनी क्या पड़ी है? आपको मेरा यकीन करना होगा साहब, जब भी कोई हादसा होता है आप मुझे उठाकर लेके आते हैं। साहब मेरी बात तो सुनो। इस बार एक साथ तीन तीन लोग बेहोश पाए गए हैं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इसके पीछे इसका हाथ नहीं है। तीनों में से किसी को होश आया क्या? एक भी अगर होश में आ जाए तो हमें कुछ पता चल सकता है। नहीं सर, ये नशीली दवा निंजा का जहर हो सकता है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर मैं समझ गया हूँ, दो तीन जहर मिलाए गए हैं। क्या मतलब? निंजा लोगों की पुरानी तकनीक है ये, अपने दुश्मनों को जहर देना। और आप तो जानते हैं कि मैं एक थीम पार्क में काम किया करूं। तो मैं क्या करूं? क्या है, क्या है? hey! जाओ। तुम सब सुनो, अब तक हमारे पास पांच विक्टिम है जो कोमा में है। इन पांचों हादसों के पीछे एक रहस्य है।
जो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को सारी डिटेल्स फुजीमुरा से मिल जाएंगे। अब इस केस की सारी डिटेल्स मिस्टर फुजीमुरा से ध्यान से सुन लीजिएगा। हाय एवरीबॉडी, मैं आपको इस केस के बारे में कुछ ब्रीफिंग देना चाहता हूं। इन पांच विक्टिम्स में से एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक नूडल्स बेचने वाला, एक अखबार बांटने वाला, एक लेडी और एक विंडो क्लीनर। इन सभी हादसों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नजर नहीं आता, क्योंकि ये सभी अलग अलग जगह हुए हैं। पर अगर गौर से देखा जाए तो ये सारे केसेस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पहला, सब के सब कोमा में है फिर भी उन पर किसी चोट का निशान नहीं है। हमारे फॉरेंसिक लैब बेहोश की दवा की जांच कर रहे हैं, पर फिलहाल कौन सी दवा है ना ये जान पाए हैं ना ही उसका तोड़ ढूंढ पाए हैं। दूसरा, मौकाए वारदात, हर घटना स्थल पर एक खंजर पाया गया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी छानबीन कर रही है पर अब तक कोई सफलता मिली नहीं है, पर हमने हमारी कोशिश जारी रखी है। होगा घराना। और आखिर में हर विक्टिम की दाई कलाई पर एक ही किस्म के टैटू के निशान है, किसी खतरनाक गैंग का निशान मालूम पड़ता है। हमारे क्राइम रिकॉर्ड्स में इस निशान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन है? हाँ, ये तुम्हारा है? तुमने ढूंढा इसे? हाँ। क्या तुम देख नहीं सकती? नहीं, तुम कल यहाँ पर छुपने आए थे है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैं देख नहीं सकती पर सुन तो सकती हूँ ना, मैंने पहचान लिया। तो बताओ मैं कौन हूँ? मैं कोशिश करती हूँ। तुम्हारा नाम केनिची है? हाँ। थैंक यू। क्या बात है? क्या तुम पेंटिंग बनाती हो? तुम खुद ही देख लो, आओ मेरे साथ ऊपर। सच्ची? बिल्कुल, और अपने दोस्त को भी लेकर आओ। हाँ, हतोरी। हाय। आप कैसी हैं प्यारी परी? प्यारी परी? इसका नाम हतोरी है। अंदर आओ। अरे वाह, क्या ये सब तुमने बनाए हैं? इस बात पर यकीन करना इतना मुश्किल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पता है केनिची, जब मैं छोटी थी तब देख सकती थी और इसीलिए अब मैं किसी भी दृश्य की कल्पना कर सकती हूँ और इसमें मुझे बहुत मजा आता है। ये तो बहुत ही सुंदर है। क्या हुआ? पर ये तो क्या सब एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं प्यारी परी, बिल्कुल भी एक जैसी नहीं दिखती। मुझे नहीं लगता तुम सच कह रहे हो। मेरी नजर के सामने जो दृश्य रहता है ना, वो कभी नहीं बदलता। एक आइडिया है, कहीं और चलकर पेंटिंग क्यों नहीं करती? क्यों नहीं? तो चलो हम सब मिलके पहाड़ियों में पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक? पिकनिक? पिकनिक नहीं, पिकनिक। पिकनिक? हाँ। अच्छा। हाँ, मजा आएगा। हम पिकनिक जाएंगे। पिकनिक जाएंगे? ये पिकनिक क्या होता है? हाँ, कहाँ फंस गया यहाँ? अनजाना हथियार, अनजाना जहर, अनजाना निशान, पता नहीं और क्या क्या अनजाना है यहाँ पे। अनजाना कुछ? अनजाना कुछ नहीं, मैं थीम पार्क में काम करता था, आप तो जानते हैं कि
बंद करो अपने किस्से। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? शिकारियों की कलाई पर जो निशान मिले हैं वो कोबा परिवार के निशानों से मिलते जुलते हैं, और वो खंजर है ना, वो कोगा निंजा का हथियार है, और वो जहर भी निंजा का ही है सर। सब बकवास, निंजा अब भी मौजूद है सर। एक चश्मदीद गवाह के मुताबिक उस रहस्यमयी हमलावर के पास असाधारण शक्तियां हैं। उसने पूरे शहर की पुलिस को हैरान कर रखा है। तफ्तीश अब भी जारी है। हर तरह की तहकीकात करने के बावजूद पुलिस बस अब बहुत हो गया। ठीक है, माना जाता है कि ये मेरा भी हो गया। कैनिची अपना खाना खत्म करो और रात को कुछ खाना पीना नहीं, समझे? वो खाना तो मेरे निंजा के लिए होता है। सुरक्षित रहे। फिर से निंजा? निंजा, सुनिए मेरे आका, क्या वो आदमी हमेशा उस डिब्बे के अंदर रहता है? नहीं बाबा, उसकी फोटो को सैटेलाइट से भेजा जाता है, समझे? हाँ जी, आपकी बातें तो मेरे दिमाग के ऊपर से चली गई। क्या वो जो भी कहता है सब कुछ सच कहता है? बिल्कुल, ये तो न्यूज़ है। अच्छा, ये बात है। अब क्या बात है हथौड़ी? पिछले कुछ दिनों में जो खौफनाक अपराध हुए हैं उनमें जरूर तुम्हारा हाथ है। ये कोरी बकवास है, क्या यही इल्जाम लगाने आए हो? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम रूप बदल कर दूसरों को धोखा दे रहे हो। हथौड़ी, मैंने किसी को हाथ तक नहीं लगाया है। ये घिनौना काम किसी कोगा निंजा का ही हो सकता है। चुप हो जाओ, तुम हमारे वंश का अपमान कर रहे हो। अच्छा तो जवाब दो, तुमने नेकी का रास्ता क्यों छोड़ दिया, बताओ? बचे रहने के लिए हमारे पुराने नियम और रीति रिवाज हमें बचा नहीं सकते। हम निंजा बने रहकर बचे नहीं रह सकते हथौड़ी। मैं कुछ समझा नहीं। ये मैं पहले से ही जानता था। क्या तुम्हें अपने किसी भी किए का पछतावा नहीं? नहीं। याई निंजा, बहुत अच्छा शॉट था सर। चलो चलो सब रेडी हो जाओ, चलो निकलने की तैयारी करो। अरे आज इतना जल्दी होगा यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। चलो भाई कैमरा रख दो, आज के लिए पैकअप। बाय सर। बेईमान। अच्छा तो तुम हो, मुझे लगा कम से कम तुम तो मुझे समझोगे। मुझे तुम्हारी बात हरगिज मंजूर नहीं है। तब तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ है। कोगा परिवार के नाम पर धब्बा हो तुम। तैयार हो मिदोरी? एक बार फिर सोच लो कैनिची, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों, मजा आ रहा है ना? तो फिर चलो चलते हैं।
खुश हूँ मैं निन। कितना स्वादिष्ट है। अरे रुके मैं ले आता हूँ। कैसा बना है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे आका के जैसा है। हाँ सच में, सचमुच। अब मिस्टर हटोरी की बारी है। नहीं रुके। अरे हटोरी, 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 कहाँ हो तुम? तुम्हारा दोस्त कहाँ गायब हो गया? हटोरी, 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 हटोरी। हाँ, अरे यहाँ तो एक मंदिर है। इतने वीराने में क्या बात है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत करो, तुम ऐसे ही डर रही हो। मेरे आका कहाँ है आप? मुझे पानी में छोड़कर चले गए। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरे आका! हथोरी, चलिए यहाँ से फौरन चलिए। हम तो बाहर घूमने आया है ना, अंदर क्यों जाए? चलो।
इतने बन ठन के कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं मेरे आका? बाहर। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं आज नहीं। पर क्यों आज क्यों नहीं मेरे आका? हाँ, क्योंकि मैं मिलने जा रहा हूँ, मिदोरी से मिलने जा रहा हूँ। आपको प्रेम हो गया है, आपको उस परी से प्रेम हो गया है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? सफल होकर लौटिएगा और खुल के प्यार कीजिएगा। क्या बात है? मुझे माफ कर देना बेटी, मैं समझी तुम कोई और हो, माफी चाहती हूँ। मिदोरी! केनिची! मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। बोलो, इस बार क्या इल्जाम लगाने आए हो? मैंने पहाड़ों के बीचों बीच घाटी में एक कोगा मंदिर देखा है। नहीं, ये नामुमकिन है। एक और बेबुनियाद इल्जाम है ये। इसे पहचानते हो ना तुम? बोलो, इसे पहचानते हो ना? हाँ, पहचानता हूं। ये कोगा वंश का खंजर है। शायद ये कुरोकागे नाम के निंजा का है। इसका मतलब है हाल में हुए सारे हादसों के पीछे इसी निंजा का हाथ है। सही कहा ना? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। क्या आप भी निंजा हो? हथौड़ी आसानी से आपकी छुट्टी कर देगा। कैसे आपकी पिटाई करता है देख लेना। हथौड़ी, तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचाने आएगा? हाँ, वो बिल्कुल आएगा। उसने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी जान देके भी मेरी रक्षा करेगा। तो फिर उसे यहां बुलाओ। हाँ? बुलाओ, बुलाओ अपने रक्षक को। हम भी तो देखें कि वो अपने वादे का कितना पक्का है। तुम्हारा वो हथौड़ी। केनिची को ढूंढ रही हो? वो ठीक तो है। तुम सब उसके दोस्त हो ना? हेलो, कौन बोल रहा है? मम्मी। केनिची, क्या बात है बेटा? आपका बेटा मेरे कब्जे में। अगर अपने बेटे की सलामती चाहती हो तो जल्द से जल्द तुम्हें 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। सुनिए केनिची, हैप्पी हो ही नहीं सकता, वो इतना पैसा नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ। फिर क्यों मांगा तुमने? जितना ज्यादा शोर मचेगा उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारे निंजा हथौड़ी को सबके सामने आना ही होगा। पर मैं क्या करूँ? रूल के मुताबिक मैं अपने आका के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं दे सकता हूँ। ये क्या, ये तो गलत बात है। हाँ है तो गलत, लेकिन इससे मुझे
हथौड़ी की ताकत का पता लग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए, वो हमारा इकलौता बेटा है। हाँ हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। आप यहाँ पर बैठिए, शांति से यहाँ पर बैठिए। हाँ, कहा कि हम सारा पैसा हथौड़ी नाम के आदमी को दे दें। और क्या कहा उसने? किसे दे दो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये जो काला मंदिर है, ये क्या है? क्या हुआ, आखिर बात क्या है? आपको याद है, कई रातों से कुछ लोगों को अनजाने जहर से बेहोश किया जा रहा है। किया जा रहा है तो? जो ये सब कर रहा है उसने प्रेस वालों को ये भेजा है। मैडम प्लीज आप ये देखिए। काला मंदिर गोशा पहाड़ की घाटी में मेरा बेटा। क्या ये वही आदमी है? अरे मैडम उठाइए, उठाइए ना। अरे मदद कीजिए, उठाइए सोफे पर, यहाँ ले जा दीजिए। बस ठीक है, आराम से। ये क्या हो रहा है? तो अब ये किडनैपिंग पर उतरा है। अगर इस सब के पीछे कुरुक आगे ही हुआ तो क्या करोगे तुम? जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। शायद तुम नहीं जानते, वो सारे कोगा निंजाओं में सबसे ताकतवर माना जाता है। हथौड़ी, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तो क्या तुम अपने शहीद हुए साथियों का बदला नहीं लेना चाहते हो? ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। और वैसे भी अब मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बेईमान होने के साथ साथ कायर भी हो। टीचर जी, टीचर जी, टीचर जी, टीचर जी, हथौड़ी, टीचर जी, क्या बात है? केनिची मिल नहीं रहा है सर। ये गली की बात है, वो हवा में गायब हो गया है सर। मैंने केनिची की आवाज सुनी थी, पर फिर मैंने ढूंढने की कोशिश की, वो वहाँ नहीं था। हो सकता है कि वो अपने घर चला गया हो। उससे पहले एक अजनबी ने मुझे पुकारा था, उसका चेहरा कुछ ऐसा था। इसने पुकारा? क्या आप इन्हें जानते हैं सर? कौन है ये? कुरोकागे। हथौड़ी, हथौड़ी। मेरे आका को उठाया उसने। जज्बाती मत बनो, तुम जानते हो तुम क्या करने जा रहे हो। तुम अपनी निंजा प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। मुझे उसकी परवाह नहीं। पिताजी, मुझे हमारी प्रतिज्ञा से भी बड़ी चीज मिल गई है। तो अब चलिए सीधे घटनास्थल पर चलते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करो। सर सर इधर आइए। चारों तरफ पुलिस का इंतजाम कर दिया है ना? जी सर, सारा इंतजाम कर दिया है। तुम बस चारों तरफ घेरा डालकर नाकाबंदी कर दो। जी सर। पता चला मैडम? हाँ। मैडम आप सचमुच नहीं जानते हथौड़ी कौन है? नहीं,
तुम जरा ध्यान से सोचो ना। मैं सोच रही हूँ, तुम भी कुछ करो ना। मैं क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ? आप लोग बस कीजिए प्लीज। केनी जी तुम ठीक हो बेटा? पापा हिम्मत बताना केनी जी। मम्मी पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हम हथौड़ी को तुम्हारे पास भेज रहे हैं। हथौड़ी यहाँ से दूर रहना। पिछले कुछ दिनों से शहर में जहरीला आतंक फैलाने वाला अपराधी एक बच्चे का अपहरण करके इस मंदिर में छिपा है। इसके पीछे का मकसद फिलहाल साफ नहीं हुआ है। सर हथौड़ी नाम का कोई भी शख्स केनिची के मोहल्ले या स्कूल में हमें नहीं मिला है। क्या मुसीबत है मैडम, एक बार फिर सोच कर बताइए, क्या केनिची ने कभी किसी दोस्त का आपसे जिक्र किया था या आपसे? मैं आप दोनों से एक बार फिर कहूंगा कि आप अपने दिमाग पर जोर डालें। निंजा, 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 निंजा! कौन हो तुम? मैं एक निंजा हूं, मेरा नाम है कांजो हथौड़ी। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप लोग जरा भी भयभीत ना हो। ये बच्चा केनिची मेरे आका हैं। अगर इन्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं दे दूंगा। आप सब लोगों से मेरी विनती है, आप लोग मुझे मेरा काम करने दीजिए, क्योंकि मेरे आका को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं और कोई नहीं बचा सकता। निंजा कांजो हथौड़ी आ गया है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था हथौड़ी। मेरे आका, तुमने इस मासूम बच्चे को कितना क्यों किया? तुम तक पहुंचने के लिए हथौड़ी। जैसा मैंने सोचा था तुम में थोड़ी काबिलियत तो है। तुम भी तो एक निंजा हो, पर अपनों को दगा क्यों दिया? बाकी कोगा को खत्म करने पर क्यों तुले हुए हो? कोगा? वो अपनी राह से भटक गए हैं। तो तुम उन्हें खत्म कर दोगे? ये कहां का इंसाफ है? हथौड़ी तुम वाकई में बहादुर हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मैं अकेला अपनी परंपरा निभा रहा हूं। मैं अपनी जान पर खेल कर अपने आका की रक्षा करूंगा। हमें आकाओं की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी परंपरा की सेवा करनी है। आज की दुनिया में कोई आका सेवा करने के लायक ही नहीं है। हथौड़ी छोड़ दो अपनी आका को, आओ मिलकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाएं। तुम पागल हो, तुम परंपरा की क्या बात करते हो जिसे अपने आका की परवाह नहीं? अरे आका नहीं है तो हम निंजा भी नहीं। तुम बिल्कुल नादान हो बच्चे, गांव में रहकर गवानों की भाषा बोल रहे हो।
आज के आधुनिक युग में कमजोरों की कोई जगह नहीं है। जिन निंजाओं की तुम बात कर रहे हो उन्होंने अपनी परंपरा को त्याग दिया है क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर थे। मुझे देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर कमजोर नहीं हुआ हूँ। मैं थक जरूर गया हूँ इसलिए तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम अभी भी नरम दिल हो हथौड़े के मुंह बाकी। हाँ टीचर, आपकी तारीफ। कोगा निंजा केमुजो केमुमा के मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हथौड़ी, बच्चे को बचाओ। जी मास्टर जी। आखिरी कोगा निंजा तो बस मैं ही हूँ। नहीं, तुम उनके नाम पर थप्पा हो। मैं आपको आजाद करता हूँ, आप जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाइए। इस धब्बे ने तो तुम्हें धो डाला कोगा निंजा। तुम्हारे आका को मैं सुरक्षित पहुंचा कर आता हूं। शुक्रिया। जाओ हथौड़ी, उसे छोड़ना मत। हथौड़ी बहुत खूब हथौड़ी, अब दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। बस मेरे आका, अब और लड़ाई झगड़ा नहीं करना।
चलो इसे संभल कर ले जा। ठीक है। काकी, मेरे आका की सुरक्षा ही मेरे लिए सबसे बढ़कर है, समझे? इसलिए मुझे अतारी। जानते हो, ये जहर हमारे खानदान में पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रहा है, फिर भी आज का कोई कोगा निंजा इसे पहचान नहीं पाया है। सबसे पहले मुझ तक पहुंचने वाले तुम थे, एक ईगा परिवार का निंजा। कैसा दुर्भाग्य है ना कुरोकागी, आखिर क्यों? सदियों पुरानी हम निंजाओं की परंपरा को आज अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पर तुम हथौड़ी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले एक सही निंजा हो, मैं तुमसे खुश हूं। ये केमो माकी को देना, ये कोगा परिवार का पुश्तैनी दस्तावेज है, इसमें जहर का तोड़ भी लिखा हुआ है। हथौड़ी, तुम्हारा आका वाकई में बहुत ही अच्छा है। कुरोकागी, केनिची, चलो, केनिची, तुम ठीक हो बेटा? तुम ठीक तो हो ना? केनिची, आप निंजा हैं क्या? ओ, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ अंदर जाओ और किडनैपर को गिरफ्तार करो। चलो चलो। नहीं। हथौड़ी, हथौड़ी, हथौड़ी।
अच्छा तो ऐसा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए डैड। तो तुम अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे। मैं ईगा घराने के लायक नहीं हूं। मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। मुझे बहिष्कार मंजूर है पिताजी। तो तुम्हें शहर भेजने का मेरा फैसला सही था।